हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल पीहू एंड रुद्रा कॉर्नर। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट जीके वर्कशीट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, वही टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं जो आगे बच्चों को बेनिफिशियल रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ गिवन हैं, बच्चों को यहाँ से चूज़ करके लिखने हैं। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। द डैस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। 26 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। नेक्स्ट वन इज मुस्लिम्स ऑल्सो कुक्स एज स्पेशल डिश कॉल्ड। स्पेशल डिश को क्या बोलते हैं? सेवैयां। SEWAIN, सेवैयां। डैस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं? दिवाली। वी सेलिब्रेट डैस ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। 2 अक्टूबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। नेक्स्ट वन इज डैस इज अ फेस्टिवल ऑफ सिख। जो सिख लोग होते हैं उनके फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं? गुरु पर्व। नेक्स्ट वन इज मुस्लिम्स गो टू द डैस फॉर प्रेयर। कहाँ जाते हैं प्रेयर के लिए? हम उसको क्या बोलते हैं? मॉस्क्यू। क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज सेफ टू प्ले विथ नाइफ्स फायर टॉयज। किससे खेलना सेफ रहता है? टॉयज से। वाटर इज यूज टू पुट आउट स्टीम फायर आइस फायर। आग बुझाने के काम आता है ना पानी। द सन शाइंस ब्राइटली ऑन विंडी डेज, क्लाउडी डेज और सनी डेज। जो सूरज होता है सबसे ज़्यादा चमकीला कब होता है? विंडी डेज में होता है, क्लाउडी डेज में होता है या सनी डेज में? तो सनी डेज में होता है। द एनर्जी ऑफ सन इज कॉल्ड। तो सन की एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी? सोलर एनर्जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द ऑड वन आउट। फर्स्ट वन इज पीकॉक, पैरट, मंकी, पीजन। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दी गई हैं, वर्ड्स के बीच में क्या दिया गया है? मंकी। तो इसमें क्या ऑड है? मंकी। इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सन, ट्री, मून, स्टार। सन, ट्री, मून, स्टार में क्या ऑड है? ट्री। रोज, लोटस, ग्रेप्स, जैस्मिन। तो इसमें क्या ऑड है? ग्रेप्स। ब्रदर, चेयर, मदर, फादर। ब्रदर, चेयर, मदर, फादर में क्या ऑड है? चेयर। बाकी सारी क्या है? ये रिलेशंस। और चेयर क्या है? एक थिंग है। नेक्स्ट वन फिश, टाइगर, टर्टल, क्रोकोडाइल। तो फिश, टाइगर, टर्टल, क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंट है? टाइगर। टाइगर ऑड है ना, क्यों है? क्योंकि फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स हैं और टाइगर क्या है? एक लैंड एनिमल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज गेस हु एम आई। I help you in counting, adding and subtracting. Who am I? Doll, abacus. क्या है इसका आंसर? Abacus. क्यों होगा? I help you counting. Abacus को हम किस में यूज़ करते हैं? काउंटिंग में करते हैं, बाई adding, एडिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं और सब्ट्रैक्टिंग के लिए भी बच्चों को यूज़ करना बताया जाता है। नेक्स्ट वी मेक मैनी स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रेन, हाउस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। Who am I? ब्लॉक्स या टॉप? तो ब्लॉक्स। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स आर शॉर्ट वाइल ट्रीज आर स्मॉल और टॉल। प्लांट्स आर शॉर्ट वाइल ट्रीज आर टॉल। ट्रीज कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। नेक्स्ट वन इज वन ग्लास इज फुल वाइल अनदर इज एम्प्टी और फॉर एम्प्टी। आई एम लेजी बर्ड, आई ले एग इन अदर्स बर्ड्स नेस्ट। हु एम आई? क्रो और कुकू। कुकू, कुकू जो होती है ना वो क्रो के जो नेस्ट होता है ना उसमें एग ले करती है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, बच्चों को यहाँ से चूज करके नीचे फिल करने हैं। सो फर्स्ट वन इज टीना सेल्स फ्रूट्स। सी इज अ बार्बर, डॉक्टर, फ्रूट सेलर, ट्रैफिक, पुलिसमैन। इस टाइप से ये वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से बच्चों को चूज करने हैं। तो सी इज अ फ्रूट सेलर। सी इज अ फ्रूट सेलर। अमित कट्स हेयर, ही इज अ बार्बर।
ही इज अ बार्बर. दीपक मेक्स वुडन टेबल्स एंड चेयर्स. ही इज अ कारपेंटर. कारपेंटर. ट्रीट्स द सिक. ही इज अ डॉक्टर. James makes buildings. He is a mason. Next one is Rohit controls the traffic. He is a traffic police. तो ये थी आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो. अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.